हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक बॉक्स में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल से पोको M2 फ़ोन को 8,940 रुपीज़ में ऑर्डर किया है। दोस्तों, ये फ़ोन मुझे अभी डिलीवर हो चुका है, तो चलो अभी इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल ऐसे ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है। इसके बैक साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी है, जैसा कि जो इसका स्क्रीन साइज़ है दैट इज़ 6.53 इंचेस। इसमें प्रोसेसर है मीडियाटेक का G80, 5000 mAh की बैटरी है, 13 MP का AI क्वाड कोर कैमरा है। इस बॉक्स के दूसरे एंड में आपको इस फ़ोन का मॉडल नंबर, इस बॉक्स के कंटेंट्स, MRP, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर मिल जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चलो अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। अंदर से इसका ऐसा लुक है। सबसे ऊपर एक छोटा सा पैकेट है कार्टन का, जिसमें आपको सिम एजिक टूल मिलता है, जिसकी मदद से आप सिम कार्ड को निकाल सकते हैं, और एक यूज़र मैनुअल भी है जो फ़ोन के बारे में और वारंटी के बारे में बताता है। इसको हम साइड में रख देते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको सिम एजेक्ट टूल भी मिलता है। इन दोनों को हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, इसके नीचे है आपका मेन फ़ोन जो प्लास्टिक में ऐसे रैप होके आता है। दिस इज़ पोको M2 ब्लू कलर फ़ोन। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये स्लिम है। कंसिडरिंग द बैटरी साइज, इट्स वेरी स्लिम। इसके पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जो 13 MP, 8 MP, 5 MP एंड 2 MP का है। इसमें आपको 4 कैमरों का सेटअप मिलता है। फ़ोन के रियर में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्लैश लाइट भी मिलती है। इस बॉक्स में आपको एक टाइप सी USB केबल और एक 5V 2A का चार्जर भी मिलता है। चलो अब इस फ़ोन को पावर ऑन करके देखते हैं। ये इस फ़ोन की स्टार्टअप स्क्रीन है। ये देखिए, अभी ये फ़ोन में काफ़ी सारी सेटिंग्स है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये इसका लास्ट स्टेप है, जहाँ पे मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर दी है। अगर आप इस फ़ोन को देखोगे तो ये काफ़ी स्लिम है, कंसिडरिंग द 5000 mAh बैटरी साइज़। इस फ़ोन के ऊपर आपको IR ब्लास्टर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक TV या AC को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साइड में आपको वॉल्यूम एंड पावर के बटन्स मिलती हैं। इसके बैक साइड में 4 कैमरे हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक करके फिर से इसको चेक कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड पे फुल HD प्लस स्क्रीन है, जिसका साइज 6.53 इंच है। इस फ़ोन के फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फ़ोन में आपको स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग भी मिलती है, जिसकी मदद से अगर हल्का फुल्का कुछ पानी इसके ऊपर गिर जाए तो फ़ोन को इफेक्ट नहीं होता है। इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी सेंसिटिव है, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्टेंटली फ़ोन अनलॉक हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड इन दिस। फ़ोन का ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत स्मूथ है, थोड़ा सा भी लैग नहीं है इसमें। आप कोई भी ऐप ओपन करके देख सकते हैं, इट्स गेटिंग ओपन्ड इंस्टेंटली। इस फ़ोन में वैसे तो सब कुछ एकदम बेस्ट है, मुझे इसमें एक ही प्रॉब्लम लगी, इसके कैमरा की पिक्चर क्वालिटी। लो लाइट कंडीशंस में इसकी पिक्चर्स थोड़ी वीक आती है, रेस्ट एवरीथिंग इज सुपर्ब एंड टॉप क्लास। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, कंसिडरिंग द हार्डवेयर, स्क्रीन साइज एंड फीचर्स। अगर ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।